सो गाइस बुकमन की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 117 के बारे में, जिसमें आयरिस और सिंथिया का एक ऑसम बैटल देखने को मिला है। सो वीडियो में तक बने रहना, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो। नाउ लेट्स बिगिन। सो मास्टर रैंक का तीसरा बैटल होता है सिंथिया वर्सेस आयरिस, जो हमें पहले से ही पता है। सो आयरिस को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी यूनोवा टीम, और सिंथिया को सपोर्ट कर रहे हैं वॉकनर, फ्लिंट, पॉल और उसका भाई रिची, और टीम रॉकेट आयरिस को सपोर्ट कर रही है। और उसके बाद बैटल होती है स्टार्ट। आयरिस इस्तेमाल करती है एक्सेड्रिल और सिंथिया इस्तेमाल करती है अपनी गैस्ट्रोडॉन पोकेमॉन। गैस्ट्रोडॉन रेनडांस अटैक करता है और एक्सेड्रिल मेटल क्लॉ अटैक करता है, और गैस्ट्रोडॉन को मेटल क्लॉ से कुछ असर होता नहीं है। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा होता है, लेकिन फाइनली एक्सेड्रिल ने एक पावरफुल हॉर्नड्रिल मार के गैस्ट्रोडॉन को हरा दिया। उसके बाद सिंथिया निकालती है अपनी माइलोटिक पोकेमॉन और उसने एक ही हाइड्रो पंप से एक्सेड्रिल को हरा दिया। बहुत पावरफुल है भाई, माइलोटिक को कम मत समझो। और उसके बाद आयरिस निकालती है अपनी ड्रैगनाइट पोकेमॉन और ड्रैगनाइट करता है थंडर पंच और माइलोटिक बच जाती है और को जगड़ लेती है और एक ही आयरन हेड से ड्रैगनाइट को भी हरा देती है। बता रहा हूँ मैं, माइलोटिक की पावर को कम मत समझो। उसके बाद आयरिस निकालती है अपनी एस पोकेमॉन जो कि होता है हेक्सोरस, और हेक्सोरस बहुत अच्छा खेलता है भाई। मतलब उसके फेरी टाइप अटैक्स को ऐसे साइको कट से चीर देता है और ड्रैगन टेल से माइलोटिक को हरा देता है। उसके बाद सिंथिया निकालती है अपनी एस पोकेमॉन जो कि होता है गार्चोम, माय फेवरेट पोकेमॉन गार्चोम। गार्चोम आते ही ड्रैगोमीटर अटैक करता है और हेक्सोरस उसको ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल करता है आउटरेज, और आउटरेज इस्तेमाल करने के बाद हेक्सोरस जब कंफ्यूज हो जाता है तो अपना सर जमीन पे पटक देता है। और उसके बाद क्या ही मैच चलता है, ड्रैगन क्लॉ और साइको कट का एक ओपी बैटल देखने को मिला। और उसके बाद सिंथिया ने अपनी फुल पोटेंशियल दिखा दी गार्चोम को मैगा इवॉल्व करके। पहले से ही वो बेस फॉर्म में बहुत पावरफुल बीस्ट था, अब तो और भी पावरफुल बीस्ट बन गया। और उसके बाद बैटल चलती रही और आयरिस ने अपने हेक्सोरस से बॉन्ड कनेक्ट करके ये कह दिया कि अब चलो इस मैच को ख़त्म करते हैं, और दोनों ने भी अपने सबसे पावरफुल मूव से अटैक किया। हेक्सोरस ने एक पावरफुल ड्रैगन पल्स हिट किया और गार्चोम ने ड्रैको मीटियर, और उसके धमाके से जो धमाका हुआ ना बहुत औसम था। लेकिन फाइनली गार्चोम जीत चुका है और हेक्सोरस हार चुका है, और इसी तरह सिंथिया इस मैच की विनर बन जाती है। उसके बाद ऐश उठता है और चल पड़ता है क्योंकि अगला बैटल उसी का ही है, और आयरिस बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो हार गई थी। वो उसने बहुत बढ़िया खेला, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया कोशिश की है आयरिस ने, और ऐश आयरिस को कैसे भी करके मना लेता है। और ऐश चलता है स्टेडियम की तरफ क्योंकि उसका अगला बैटल है स्टीवन होयन का चैम्पियन, और अगला एपिसोड बहुत मस्त होगा क्योंकि फाइनली अब ऐश भी बैटल करने आने वाला है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो मेक श्योर टू लाइक, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो भाई, मुझे पता है, तो कर देना। सो ये मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन पीस आउट।